दोस्तों अभी अभी गेट खुला है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए गेट खुल गया और बाबा का यहीं पर दरबार लगता है। जय श्री राम, तो देख सकते हैं। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बागेश्वर धाम में आप सबको दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि बागेश्वर धाम में बाबा का दरबार कहाँ पर लगता है। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे जो खेड़ है दोस्तों, यहाँ पर भंडारा चलता है। अभी 10 बजे के बाद में भंडारा यहाँ पर चालू होगा दोस्तों, लेकिन अभी मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर बाबा का मतलब कि दरबार लगता है दोस्तों, वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं भैया? हम इंदौर से आए हुए हैं। इंदौर से? भोपाल से। क्या नाम है आपका? विनोद कुशवाहा। कुशवाहा जी, तो आप लोग बाबा का दर्शन नहीं हो पाया, कैसा लग रहा है? बाबा का दर्शन तो होगा नहीं, गुरुजी का बाबा का दर्शन, बाबा का दर्शन हो गया। अच्छे बार करे, सुबह भी करे, रात को भी करे, शाम को भी। वाह क्या बात है। तो सब लोग आप लोग वहीं से हैं? पूरा सब इंदौर से। एक बार बोलिए बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं जहाँ पर बाबा का प्रवचन होता है, यानी कि जहाँ दरबार लगता है वहाँ पर लेके चलेंगे। भैया किधर लगता है? उधर से रास्ता है, उधर से रास्ता है, उधर से जाना पड़ेगा। उधर से प्रेम आसा फैमिली ब्लॉग सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे। क्या नाम? प्रेम आसा फैमिली ब्लॉग। बाबा का अधिकतर मैं वीडियो चढ़ाता हूँ, जहाँ जाते हैं बाबा वहाँ का मैं वीडियो अधिक शूट करता हूँ। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सर्च मार दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक ठीक भैया, ठीक है ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं। मैं बिहार से हूँ यार, जब बाबा गए थे। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ के सेवादार हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या है? क्या सब फैमिली ब्लॉग। हाँ क्या, अभी तो मेरा नया चैनल अभी 6000, बाबा की वजह से मेरा अभी 6000 पहुँच गया। वहाँ का वीडियो बहुत सारा वायरल हो गया था। पटना में बाबा आए थे ना? तो हमारा, हम बिहार से आए हैं साइकिल यात्रा से। साइकिल यात्रा से? हाँ पटना से, बिहार से, गोपालगंज से। गोपालगंज से जी। देखिए हमारा भी डालिएगा। देखिए ये बाद में साइकिल निकालेंगे तो। अच्छा रुक जाइए, आपको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बिहार से गोपालगंज से आए हुए हैं साइकिल यात्रा लेकर के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि बाबा का दरबार कहाँ पर लगता है। दोस्तों किधर? ये दिखा दीजिए, बाहर से हॉल है। किस चीज का हॉल है? यही इसी में दरबार लगता है, ये दरबार हॉल है ये। हाँ, इसमें ये दिव्यांग के लिए है, उधर सब जन सेवा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब कि ये दरबार हॉल है, इसी में दरबार में गेट पर रहेंगे हम, इस गेट पर। ठीक 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 है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विकलांगों के लिए मतलब कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर दरबार हॉल है। और उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बाबा का दरबार मेन कहाँ पर लगता है। दोस्तों देख सकते हैं इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी में दरबार लगता है, अभी अंदर नहीं जा सकता है ना? अंदर नहीं जा सकते हैं, गेट बंद है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी में दरबार लगता है बाबा का, और अभी गेट बंद है तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता अंदर जाकर के। बहुत बड़ा बड़ा मतलब कि ये कूलर लगा हुआ है दोस्तों, आपको मैं खिड़की से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ सफाई अभी चल रहा है और बाबा का दरबार यहीं पर लगता है। देखिए बहुत बड़ा हॉल है दोस्तों, इसी में दरबार लगता है बाबा का, और यहाँ पर साफ सफाई कर रही है कुछ माता है। दोस्तों अभी अभी गेट खुला है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए गेट खुल गया और बाबा का यहीं पर दरबार लगता है।
जय श्री राम। देख सकते हैं दोस्तों, इतना क्लोज आपको वीडियो की किसी ने नहीं दिखाया होगा, आपको दिखा देते हैं। यहीं पर महाराज जी बैठते हैं और देखिए राम जी का यहाँ पर मूर्ति है दोस्तों, और देख सकते हैं गुरुदेव महाराज का यहाँ पर फोटो भी है, वहीं पर आसन लगता है बाबा का, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग बैठते हैं यहीं पर, और यहीं से अर्जी लगती है सबका, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितने लोग आए हुए हैं। तो ये लोग अभी मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, रहेंगे ऐसे ही? अभी सोएंगे। अच्छा, ये लोग यहीं पर रहेंगे? सोएंगे। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों बहुत यहाँ पर मतलब कि कूलर लगा हुआ है चारों तरफ से, और यहाँ पर मतलब कि कूलिंग थोड़ा सा महसूस हो रहा है दोस्तों, इसलिए सब लोग यहीं पर रहेंगे। कहाँ से आए हैं माता जी? कानपुर से। कानपुर। अच्छा, गुरुदेव महाराज का दर्शन करके जाइएगा। अब कैसे करें, है ही नहीं वो। अभी बहुत दिन बाद आने, 24 तारीख को आने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं आपको इतना बढ़िया से कोई नहीं दिखाया होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देख सकते हैं बाबा का यहीं पर आसन लगता है, और यहीं से लोगों का कल्याण करते हैं दोस्तों। कितने बढ़िया से दोस्तों वीडियो यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे भाई भी यहाँ पर देख लीजिए, हमारे क्षेत्र के वहीं से आए हुए हैं, तो भेंट हो गया यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा दोस्तों इस टाइप का वीडियो दिखा देख करके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों इसी में गुरु जी रहते हैं, आते हैं तो नहीं, यही इसी रूम में ना, देखिए यही रूम है दोस्तों गुरु जी का, और यहीं से निकलते हैं और इस मंच पे चढ़ते हैं, और यहीं से लोगों का कल्याण करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा दोस्तों यहाँ का, और देख सकते हैं आपको मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तो बाबा को आने में समय है, यहाँ पर 24 तारीख तक आएंगे, लेकिन यहाँ पर भक्तों का मतलब कि जमावड़ा कम नहीं हो रहा है दोस्तों।